सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, डेट इज नियर बाय विशाखापट्टनम। इस पर्टिकुलर कॉलेज के रिव्यू के बारे में हम देखेंगे कि कॉलेज कैसा है, यहाँ पे फैसिलिटीज कैसी दी गई है बच्चों के लिए, प्लस एडमिशन फैसिलिटी, प्लेसमेंट फैसिलिटी एंड स्कॉलरशिप फैसिलिटीज वगैरह भी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में कि एक लीडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है इन इंडिया। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है, लाइक आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि एस्टैब्लिश हुआ है 1946 में। इनिशियली स्टार्ट किया गया था फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग 1933 में, एंड नाउ ये ऑफर करते हैं बहुत सारे यूजी, पीजी प्रोग्राम्स एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है ऑफ इंजीनियरिंग, ये कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है ऑफ आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम का, एंड इसको A++ की जो है ग्रेडिंग दी गई है बाय द NAC। उसके बाद अगर हम बात करें जो कोर्सेज है वो ऑफर करता है आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इंक्लूड करता है BTech, MTech, BArch, MSc, MCA है एंड PhD के कोर्सेज। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यही है कि आपको जो है डिजायर्ड कोर्सेज के लिए कि आपका एडमिशन प्रोसेस रहता है एंट्रेंस एग्जाम वगैरह का, और मिनिमम मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है, आपको मीट करना होता है, तभी आप जो है इस पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर हम यूनिवर्सिटी कहें उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ये जो एडमिशन प्रोसेस होता है यहाँ का वो यही रहता है कि आपको जो है एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, जैसे कि गेट का एग्ज़ाम हो गया, NATA का एग्ज़ाम हो गया, APPGE, CET का एग्ज़ाम हो गया, APICET का एग्ज़ाम हो गया, APEAMCET का एग्ज़ाम हो गया। ये सारे एंट्रेंस कोर्स होते हैं जो कि आपके जुड़ते हैं, मतलब उस हिसाब से आपको पेपर देने होते हैं, कट ऑफ्स वगैरह आती है, सीट अलॉटमेंट आती है, और उसके बाद आप एडमिशन ले पाते हो। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो रैंकिंग वगैरह के बारे में, तो रैंकिंग तो मैंने आपको बताई दी है, प्लस जो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी इसकी जो लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है एक तो वाल्टेयर जंक्शन के पास है, वाल्टेयर जंक्शन के पास विशाखापट्टनम में। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है रामा टाकीज, विच इज 31.5 किलोमीटर अवे। RTC कॉम्प्लेक्स जो है ये नियरेस्ट बस स्टॉप है जो कि 2.1 किलोमीटर अवे है, एंड विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये एक नियरेस्ट एयरपोर्ट है विथ 13.8 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलेज। उसके बाद बताया गया कि एस्टैब्लिश हुआ ये कॉलेज 1955 में। इंस्टीट्यूशन टाइप जो है वो है ऑटोनॉमस का, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है ये, अप्रूवल है इसको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, कोएड कॉलेज है ये एक। और उसके बाद ये भी बताया गया कि कैंपस साइज बहुत ही अच्छा है, डेट इज ऑफ 160 एकर्स का। और इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, डेट इज कि जो जेंडर परसेंटेज है, डेट इज कि मेल और फीमेल का रेशो बहुत ज़्यादा इक्वल रहता है, डेट इज ऑफ 50-50% का। प्लस आउटसाइड स्टेट से बच्चे जो है वो भी 33% के बच्चे जो है वो आउटर स्टेट से देखे जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में। उसके बाद अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जो है वो मतलब बहुत सारे 9 प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह भी इवॉल्वड हैं और मतलब कंस्टिट्यूट करते हैं। प्लस यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि प्लेसमेंट फैसिलिटी के बारे में, तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट फैसिलिटी है, जैसे कि कई बच्चों को जो है हाइएस्ट पैकेज 84.LPA मतलब 50 LPA तक का भी मिला है 2022-2023 में। प्लस अगर हम बात कर लेते हैं हम कुछ चीज़ों के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है, उन सब के बारे में बताया गया है। प्लेसमेंट परसेंटेज जो है काफ़ी अच्छा होता जा रहा है 2021 के बाद से, लाइक 2022 में भी बढ़ा है अराउंड 50% से ऊपर का गया है, और 2023 में तो 75% से ऊपर का गया है प्लेसमेंट रेशो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो UG और PG के कोर्सेज कराए जाते हैं जो कि जनरली 4 इयर्स या 2 इयर्स के होते हैं। UG के कोर्सेज थोड़े ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं, PG कोर्सेज में थोड़े कम बच्चे एडमिशन लेते हैं। विद इन स्टेट से ज़्यादा बच्चे होते हैं, आउटर स्टेट से भी बच्चे देखे गए हैं यहाँ पे, और आउटर कंट्री से भी बच्चे काफ़ी होते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा ओपन एनवायरनमेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। प्लस आपको यहाँ पे जो बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं PG कोर्सेज, जैसे कि ME हो गया, MTech हो गया, MSc हो गया, मेजरली कोर्सेज अगर हम देखें तो BE, BTech है, BArch है, ME, MTech है, PhD है, MSc है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का कोर्स है, प्लस आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की स्ट्रीम में आपको कोर्सेज कराए जाते हैं। अब जैसे कि हम मेजर कोर्सेज देखें, दैट इज MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं यहाँ पे, एग्जाम आपको देना पड़ता है इसके लिए गेट का, प्लस BTech केमिकल इंजीनियरिंग का आपको कोर्स कराया जाता है जिसका आपको एग्जाम देना पड़ता है APEAMCET का, MCA का एग्जाम करवाया जाता है जो कि आपको एग्जाम देना पड़ता है आपका APICET का, BR का कोर्स करवाया जाता है, डेट इज कोर्ट आपको एग्जाम देना होता है NATA का, BTech नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग का कोर्स करवाया जाता है, डेट इज ऑफ आपको जो एग्जाम देना होता है डेट इज ऑफ APEAMCET, एंड सेम एग्जाम आपको देना पड़ता है फॉर BTech मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए। बहुत सारे और भी कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं आपको,
अगर हम बाकी बात कर लेते हैं मेजरली, तो डेट इज़ की एग्जाम अपडेट्स के बारे में आपको इस चैनल में मिल ही जाएगा सब कुछ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं मेरे चैनल को। कोई भी क्वेरी होती है तो बाकी आप कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं। प्लस स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए। नेशनल लेवल, वेरियस स्टेट लेवल के हिसाब से जो है स्टूडेंट्स को अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर हम बात करें कुछ जो है स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है स्टूडेंट्स को उनको अप्लाई करना होता है इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम्स में, जैसे कि एक है स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि स्टूडेंट्स को जो है वो अमाउंट कितना ऑफर करती है 50,000 पर एनम फॉर एवरी ईयर ऑफ स्टडी मैक्सिमम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स। स्टूडेंट्स जो भी ऑर्फन्स है या फिर इधर बोथ पेरेंट्स जो हैं जिनकी डेथ हो गई COVID-19 के चक्कर में, तो उनको जो है डिपेंडेंट स्कॉलरशिप मिल जाती है। और भी बहुत सारे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सक्षम स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ओनली फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स विद मोर देन 40% डिसेबिलिटी, या फिर फैमिली इनकम जो है शुड बी लेस देन 1 लाख पर एनम। स्टूडेंट्स मस्ट बी एडमिटेड इन फर्स्ट ईयर डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेवल प्रोग्राम्स कोर्सेज इन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि आपको मतलब बता दिए गए कि कितने कितने पैसे आपको मिलेंगे। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, स्कीम है फॉर मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है जिनके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि है एक स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। लास्टली अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे। तो जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उससे मैं मुझे कमेंट से बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पे आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइब्रेरी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी, कैफेटेरिया है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स और लेबोरेटरीज़ की फैसिलिटी तो आपको अवेलेबल की ही गई है। ओवरऑल अगर हम बात करें रैंकिंग बहुत अच्छी मिली है इसको, 4.5 की रैंकिंग मिली है 5 में से इस कॉलेज को। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी रैंकिंग मिली है, अफोर्डेबल फॉर मनी और क्लीनिंग जैसे वगैरह के लिए इस कॉलेज को जो बहुत ही अच्छी रैंकिंग वगैरह मिली है। लास्टली हम बात कर लेते कॉलेज के एड्रेस के बारे में, डैट इज़ आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग AUCE रोड, आंध्रा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। आंध्रा यूनिवर्सिटी जो है जो कि विशाखापट्टनम में है और इसका पिन कोड है 530003 और ये है इंडिया में। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।